नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी हम आपको बता दें कि प्रिंस राज पासवान पर रेप के आरोप में ये एफआईआर दर्ज कराई है और दिल्ली के करनॉट पुलिस के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस एफआईआर में प्रिंस राज पासवान के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके ऊपर ये आरोप लगा है चिराग पासवान के ऊपर कि उन्होंने जो पीड़िता हैं उनको धमकी दी है, धमकाने की कोशिश की है और साथ ही साथ प्रिंस राज पासवान पे जो एफआईआर दर्ज होनी थी उसको डिले करवाने की कोशिश की है। अब आपको बता दें कि उन्होंने इस बात की साजिश रची है, अपने चचेरे भाई पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो इसको लेकर और उसको डिले कराने को लेकर कोशिश की गई है और पीड़िता ने यह आरोप चिराग पासवान के ऊपर भी लगाया है और इसके लिए उनका नाम भी इस प्राथमिकी में दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले एक पीड़िता ने दिल्ली के करनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद सांसद प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज हुई है। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया है कि हमने मई में दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। अदालत ने पुलिस को सांसद प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई यानी कि चिराग पासवान के ऊपर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आदेश दे दिया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा कुछ वक्त पहले दिल्ली के करनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, शिकायत दर्ज कराई गई थी और पीड़िता के मुताबिक उनका कहना है कि वो लोजपा की कार्यकर्ता है। उनका आरोप है कि उनके ऊपर बेहोशी के हालत में उनके साथ शोषण किया गया है और साथ ही साथ प्रिंस राज पासवान ने भी एफआईआर दर्ज कराई है कि जो पीड़िता का आरोप है, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है वो गलत आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद है प्रिंस राज, उनके ऊपर कोर्ट के आदेश आने के बाद एफआईआर दर्ज करा ली गई है। हम आपको बता दें कि इस प्राथमिकी में प्रिंस राज पासवान के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। उनके ऊपर भी प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को धमकी देने की कोशिश की है और साथ ही साथ जो उनके चचेरे भाई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उनको डिले करने की साजिश रचाई गई है। तो इस तरीके से दोनों का नाम जो है वो इसमें आ गया है, प्राथमिकता में आ गया है और इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा ली गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।